तो इन सारी चीजों को देखकर इतना समझ में आ रहा है कि यह हिंसा सुनियोजित थी, ऐसा नहीं था कि यह स्पॉन्टेनियस थी, यानी कि अचानक भावनाओं के भड़कने से हुई। ये केवल पत्थर नहीं चल रहे थे जो कि सड़क पर चल रहे थे, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा था एंटी सोशल पत्थरबाजी करने के लिए, व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया जा रहा था, फेसबुक का इस्तेमाल किया जा रहा था। हम आपको ऐसे ही एक व्हाट्सएप चैट दिखाते हैं जिसको देखकर, जिसको पढ़कर आप समझ पाएंगे कि दरअसल चल क्या रहा था। कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी के पास से पुलिस को कुछ ऐसे व्हाट्सएप चैट्स मिले हैं। इनसे यह पता चलता है कि 3 जून को बंद बुलाने और उसके बाद हिंसा करने की बाकायदा प्लानिंग थी। आज तक के पास हाशमी के 2 व्हाट्सएप चैट्स हैं। पहली चैट है जिसमें लिखा है कि मार्केट बंद होने का वीडियो थोड़ी देर में आएगा। दूसरी लाइन लिखी है रहमानी मार्केट बंद है। इसके अलावा इस ग्रुप में एक अपडेट है जिसमें मार्केट भी बंद नजर आता है। एक दूसरी चैट है जिसमें पेचबाग व्यापार मंडल का जिक्र है, यहां पर बाजार बंद होना बताया गया है। इस ग्रुप में कुछ तस्वीरें डाली गई, इन तस्वीरों में बाजार में मौजूद बंद दुकानों के शटर दिखाए गए हैं। जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया उसका नाम एमएम जौहर फैंस एसोसिएशन कानपुर टीम लिखा गया था। इसी ग्रुप में सारी अपडेट दी जाती रही और ये तस्वीरें 3 जून को बुलाए गए बंद को सफल दिखाने के लिए डाली गई थी। यही नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कुछ नफरती ट्वीट्स और पोस्ट भी मिले, इन पर पुलिस ने कार्रवाई की। 15 ऐसे अकाउंट्स चलाने वालों पर FIR दर्ज की गई जिनके जरिए कानपुर हिंसा से जुड़ी भड़काऊ बातें फैलाई गई। कानपुर को हिंसा की आग में झोंकने की तैयारी काफी पहले से थी। इसके लिए न केवल पत्थर फेंके गए बल्कि पत्थरबाज एक साथ एक जगह से पत्थर फेंके, इसके इंतजाम भी किए गए थे। हिंसा के मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी के व्हाट्सएप ग्रुप चैट से जो जानकारी मिलती है उससे यही अंदेशा हो रहा है कि हिंसा से पहले सभी पत्थरबाजों को साफ निर्देश था कि बंद को सफल बनाने के लिए पूरा जोर लगाया जाए। एक तरह से पत्थरबाजों का व्हाट्सएप क्लास रूम चल रहा था। जब पुलिस ने बंद टालने का दबाव बनाया तो हिंसा शुरू हो गई। जिस तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों को जोड़ा गया, भड़काने की कोशिश की गई, वो तमाम व्हाट्सएप चैट्स कानपुर पुलिस के पास पहुंच चुके हैं। और ये सबसे बड़ी बात कि ये जो व्हाट्सएप चैट्स हैं ये एमएम जौहर फैन एसोसिएशन के जो संचालक है जफर हयात हाशमी उसके द्वारा ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा रहे थे। पत्थरबाजों को व्हाट्सएप क्लासरूम से निर्देश मिल रहे थे, हर तरह की अपडेट्स उन्हें पोस्ट किए जा रहे थे, कौन सा बाजार बंद है, कौन सा बंद नहीं है और किसको बंद करवाने के लिए बल प्रयोग किया जाएगा, इसकी सारी जानकारी व्हाट्सएप ग्रुप पर डाली जा रही थी ताकि जो भी बंद का विरोध करे उसके खिलाफ भीड़ एकजुट हो सके। अभी तक सर इस पूरे मामले को लेकर के कुछ व्हाट्सएप चैट्स भी सामने आए हैं, क्या पहले से साजिश थी, दुकानें बंद करवाई जा रही थी? दिस थिंग्स आर सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अभी इस सभी चीजों को रिवील करना संभव नहीं होगा, बट हम सभी पक्षों को इसमें देख रहे हैं और सभी चीजों को एनालाइज कर रहे हैं। केवल व्हाट्सएप ही नहीं, कई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इस तरह की चैट्स मिली। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया है कि जेल भरो आंदोलन के नाम पर जो प्रदर्शन किया जाना था उसमें हिंसा भड़काने के लिए हयात जफर हाशमी और उसके साथियों ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करनी शुरू कर दी थी। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम करके भी लोगों को जोड़ा जा रहा था। पूरे मामले में 3 FIR जो दर्ज हुई थी उसके बाद से गिरफ्तारियों का दौर शुरू हुआ है। बीती रात भी 9 लोग गिरफ्तार हुए, इस तरीके से कुल 38 लोग अब तक कानपुर हिंसा मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लेकिन इस पूरे मामले में अब अगर कहा जाए कानपुर पुलिस की निगाह उन बलवाइयों के साथ साथ सोशल मीडिया पर जो माहौल खराब कर रहे थे उन पर भी है। अब तक 16 ऐसे ट्विटर और फेसबुक के हैंडल्स भी आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं जिनके द्वारा नफरत फैलाई जा रही थी, आपत्तिजनक पोस्ट की जा रही थी। तो अब तक 16 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर IT एक्ट के तहत FIR दर्ज की जा चुकी है। इन सभी के खिलाफ IT एक्ट की धारा 66 और IPC की धारा 505 यानी भड़काऊ कमेंट परोसने जैसी धाराएं लगाई गई हैं। ये कुछ सोशल हैंडल्स हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और उनके खिलाफ FIR दर्ज की है। अब तक इस पूरे प्रकरण में 3 FIR दर्ज की गई है और टोटल 38 लोगों को अरेस्ट किया गया है और एक विशेष जांच दल का भी गठन किया गया है जो इस तरह के सारे वीडियो फुटेज और इस तरह के जो पोस्ट्स है इनका पूरी समीक्षा करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा और उसके आधार पे उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। सोशल मीडिया के जरिए भड़काऊ पोस्ट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई के अलावा पुलिस उन लोगों को भी तलाश रही है जिन पर आरोप है कि उन्होंने जुमे की नमाज के बाद भड़काऊ तकरीरें की जिससे हालात बिगड़े।
इस मसले में हर पहलू पर बारीक नजर रखने के लिए एसआईटी ने भी जांच शुरू कर दी है और फॉरेंसिक टीम भी आज मौके पर मौजूद थी। डीसीपी संजीव त्यागी की अगुवाई में जो जांच शुरू की गई है उसमें अब फॉरेंसिक की टीम भी यहां पर पहुंची है। आप देख सकते हैं कि कानपुर जोन की फॉरेंसिक फील्ड यूनिट यहां पहुंची हुई है। वो लोग उस जगह का मुआयना कर रहे हैं, उन सीसीटीवी फुटेजेस को भी देख रहे हैं किस एंगल से लिया गया। एसआईटी और फॉरेंसिक टीम आईपीएस संजीव त्यागी के साथ जांच में जुटी है। फॉरेंसिक टीम नई सड़क की हर उस गली और रास्ते का मुआयना कर रही है जहां से पथराव किया गया था। यहां तक की तैयारी ये भी है कि उन छतों पर भी मुआयना किया जाए जहां से पत्थर फेंके जा रहे थे। कानपुर से संतोष कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।